हाय, आज मैं बनाने वाली हूँ डेट्स लड्डू। इस लड्डू की रेसिपी बनाने के लिए ना ही हम चीनी यूज़ करेंगे और ना ही गुड़। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कप गर्म पानी, इसमें डालेंगे एक कप खजूर, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और पीसेस में काट लिए हैं। ये मीठी वाली खजूर है, ये थोड़ा चिपचिपी रहती है, वो सूखा वाला खजूर यूज़ नहीं करेंगे इसमें। इसे ढककर आधे घंटे सोक होने देंगे। आधा घंटा हो गया है, ये देखिए खजूर अच्छे से फूल गया है। अब इसे क्या करेंगे, छन्ने की मदद से इसे छान लेंगे, हमें इसकी पानी नहीं चाहिए। अब इसको जार में डालकर दरदरा पीसेंगे। बिना पानी डाले इसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, मैंने इसमें बिल्कुल ही पानी यूज़ नहीं करा। इसकी पेस्ट बनाने में बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो चलेगा। अब डालेंगे एक पैन में एक चम्मच घी। घी जब मेल्ट हो जाएगी तब इसमें डालेंगे आधा कप के करीब काजू, इसे मैंने बारीक काट लिया है। काजू को घी में भून लेंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हो गई, अब इसे निकाल लेंगे। अब सेम पैन में जो खजूर का हमने पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। अब इसे भूनेंगे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। अगर आप सूखा वाला खजूर यूज करें तो इस स्टेज पे आपको आधा कप कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालना पड़ेगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का मुरादा। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ध्यान रहे यह फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, नहीं तो नारियल जल जाएगी। यहाँ मैंने नारियल और खजूर को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे जो काजू हमने फ्राई करा था उसे, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा किशमिश भी डाल देंगे 3/4 कप। अब इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे इसे भी। बस अब गैस को ऑफ कर दीजिए, ऑफ करके भी अच्छे से मिल जाएगी। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे 1 मिनट छोड़ देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब इसकी छोटी छोटी लड्डू बनाएंगे, हाथ से प्रेस कर देंगे, बहुत ही ईजिली बन जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, इसी तरह सारे बॉल्स को बना लेंगे। आप इसे खाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि इसे मीठा करने के लिए कुछ डाला ही नहीं गया है। अब लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का मुरादा, इसमें जैसे रोल कर लेंगे, इसी तरह से सारे बॉल्स को रोल कर लेंगे। इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप गीली वाली खजूर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई अलग से मीठी चीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप सूखी वाली खजूर यूज़ कर रहे हैं तो आपको तो गुड़ डालना पड़ेगा। अगर आपका 1 कप खजूर है तो आधा कप कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालना पड़ेगा या चीनी डालना पड़ेगा। बस सारे लड्डू को मैंने नारियल में कोट कर लिया है ना, बहुत ही ईजी रेसिपी। अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।